पाकिस्तान को अभी अल खलीद टैंक की एक अपडेटेड वर्सन मिल चुकी है। इंडियन नेवी की तरफ से चाइनीज नेवी को एक मैसेज दिया गया था और चाइनीज नेवी को यह मैसेज मिल भी चुका है। कल रात को ईरान की तरफ से अल दफरा एयरवेज के करीब मिसाइल स्ट्राइक क्यों किया गया था? इंडियन नेवी की तरफ से अभी 57 कैरियर बॉर्न फाइटर जेट के बदले सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला क्यों किया जा रहा है और इनको किस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा? और अंत में टॉप गन के पायलट्स के मुताबिक राफेल के आने के बाद तिब्बत में मौजूद चाइना के सभी एयरवेज के से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर के सामने इजी टारगेट बनने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। TNN में एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना को इंडियन ओशन में काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी अभी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने में ज्यादा जोर देने वाली है। इसके साथ ही दो एडिशनल फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को भी खरीदने के लिए नेवी की तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है और हो ना हो ये नए फाइटर जेट INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए खरीदे जाने वाले हैं, जो कि अगले साल तक ही इंडियन नेवी में शामिल होने वाली है। अभी इंडियन ओशन में इंडियन नेवी की तरफ से काफी सारे वॉरशिप डिप्लॉय किए गए, साथ ही सबमरीन को भी डिप्लॉय किया गया, लेकिन INS विक्रमादित्य को अभी इंडियन ओशन में डिप्लॉय नहीं किया गया है। हमारी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत के बारे में बात करें तो इसका बेसिन ट्रायल अभी पेंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले हो गया है और इसे 2021 की सितंबर में इंडियन नेवी में कमीशन करने का एम रखा गया है, लेकिन इसके बाद इसको फुल्ली ऑपरेशनल होने में 2022 से 2023 तक का वक्त लग जाएगा। वहीं पर INS विशाल की बात करें तो ये INS विक्रांत के मुकाबले काफी बड़ी होने वाली है और इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 65,000 टन के आसपास होने वाली है। इसको बनाने के लिए भी INS विक्रांत के मुकाबले काफी ज्यादा बजट की जरूरत है, लेकिन अभी इसको न्यूक्लियर पावर के बदले कन्वेंशनली पावर करने का फैसला किया गया था, इस वजह से इसकी कॉस्ट को कुछ हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। अभी नेवी के पास बजट की भी थोड़ी कमी है, जिस वजह से 57 कैरियर बॉर्न फाइटर की टेंडर को कैंसिल करके अभी सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट को ही खरीदने का फैसला किया जा रहा है। इनको आने वाले वक्त में INS विक्रांत में ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि INS विशाल को बनने में अभी 10 से 14 साल का वक्त लग सकता है और 2032 के बाद INS विक्रमादित्य से भी MiG-29 को हटा के वहाँ पे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को ऑपरेट करने का प्लान किया गया है। तो फ्यूचर में अगर INS विशाल की बात करें तो इसमें शायद MCA या फिर वही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को ही ऑपरेट किया जाएगा। इसी टाइमलाइन की बात करें तो आने वाले 10 सालों में चाइना के पास 5 से 6 कैरियर होने वाले और 2050 तक चाइना 10 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने वाला है। और अगर हम INS विक्रांत को बनाने के बाद चुप रह जाते हैं तो फ्यूचर में हमारी नेवी चाइना को काउंटर करने के लिए काफी पीछे पड़ जाएगी। अगला अपडेट राफेल जेट्स को लेके, अब सबको ये बात पहले से ही पता लग चुका होगा कि राफेल की पहली बैच अभी अंबाला एयरवेज में पहुंच चुकी है। राफेल को लेके अलग अलग मीडिया में आपको काफी सारे खबर मिल चुकी होगी, लेकिन मीडिया में राफेल को लेके जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है ये किस हद तक सही है? इसको लेके इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ VS धनवा जी का कहना है कि राफेल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मेच्योर मिसाइल या फिर स्कैल्प जैसे मिसाइल की बात करें तो इसका जवाब पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास नहीं है और ये पूरी चाइनीज एयरफोर्स की किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ टक्कर ले सकता है और उनको आउटगन कर सकता है और यहाँ तक कि J-20 को भी राफेल हरा सकता है। VS धनवा जी के मुताबिक चाइनीज एयरफोर्स की सभी एयरक्राफ्ट के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स के लिए चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा खतरनाक है, लेकिन चाइना के पास अक्साई चीन वाले एरिया में कोई भी कवर नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जंगल वाला एरिया नहीं है और ऐसे में राफेल को चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी रडार की पोजीशन का पता लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है और ये चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के रेंज में आए बिना ही स्कैल्प मिसाइल की मदद से उनको काफी दूरी से नष्ट कर सकता है। और एक बार चाइना की एयर डिफेंस सिस्टम की नेटवर्क डाउन हो जाए उसके बाद अगर गंदे से गंदे सिचुएशन की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के MiG-29, सुखोई, मिराज या फिर राफेल जैसे एयरक्राफ्ट चाइना की किसी भी एयरक्राफ्ट को काउंटर कर सकते हैं। चाइना की जितने भी फाइटर जेट मौजूद हैं ये सभी के सभी रशियन सुखोई की कॉपी है, लेकिन अगर US थ्रेट की बात करें तो उनको काउंटर करने के लिए चाइना हमेशा रशियन ओरिजिन SU-35 या फिर SU-30 को ही तैनात करता है। अगर चाइना के फाइटर इतने अच्छे हैं तो वो क्यों इनको US के खिलाफ डिप्लॉय नहीं करता है? अब सेम तरह की एक और स्टेटमेंट टॉप गन के फॉर्मर पायलट की तरफ से दिया गया और टॉप गन के पायलट्स के मुताबिक अगर एक बार चाइना की एयर डिफेंस नेटवर्क को भारत डाउन कर देता है तो उसके बाद तिब्बत में चाइना के जो भी एयरबेसेस है वो एकदम बेकार हो जाएंगे।
यहाँ पर भारत के मेन टारगेट में होटान एयरवेज और लासा एयरवेज रहेंगे, जिनमें होटान में 70 के आसपास ऐसे फाइटर जेट मौजूद है जिनको खुले में पार्क किया गया है और इनको इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन लासा एयरबेस में चाइना ने सेल्टर बना रखा है और वो मुश्किल से यहाँ पर 26 एयरक्राफ्ट को छुपा के रख सकते हैं। लेकिन तिब्बत की बात करें तो यहाँ पर जो टेरेन है इसको राफेल इजीली मैप कर सकता है और बिना एयर डिफेंस सिस्टम के चाइनीज एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए हेल्पलेस टारगेट बनने वाले हैं। अगला अपडेट राफेल जेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो कल रात को मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि यूएई की अल दफरा एयरवेज के करीब एक मिसाइल स्ट्राइक किया गया था। तब इस बात को लेकर कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा था क्योंकि यह हादसा कुछ ही समय पहले ही हुआ था। आज इसी को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया कि यह मिसाइल स्ट्राइक ईरान की तरफ से किया गया था और ईरान एक तरीके का मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था और जो मिसाइल स्ट्राइक हुआ था ये अल दफरा एयरवेज से काफी दूर हुआ था। लेकिन CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अल दफरा एयरवेज को कल रात भर हाई अलर्ट पर रखा गया था क्योंकि ईरान की तरफ से जो मिसाइल छोड़ा गया था इसको डिटेक्ट करने के बाद ये कहां पर स्ट्राइक करने वाले हैं इसकी एक्चुअल टारगेट का पता नहीं चल रहा था और सबको शायद ये लग रहा था कि ये एयरबेस में जाके स्ट्राइक करने वाले हैं। इसी बीच हमारे राफेल भी अल दफरा एयरबेस में मौजूद था। कल रात को इसी बात को लेके हम सब काफी चिंतित थे, पर असल में ईरान पर्शियल गल्फ में किसी एक्सरसाइज को कर रहा था और वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर की मॉक मॉडल बना के उसके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक कर रहे थे। इसका नाम ग्रेट प्रॉफिट 14 था और इस बात को अभी यूएस की तरफ से कंडेम किया गया और यूएस नेवी का कहना है कि ईरान की तरफ से ये जो एक्सरसाइज किया गया था इसमें काफी लापरवाही बरती गई थी और कल रात को अल दफरा एयरवेज के सभी मेंबर्स को बंकर में रहने के लिए कहा गया था और ये रिपोर्ट अभी यूएस की तरफ से दिया गया है। और कल रात को मैंने एक बात सीखा कि आपको एडवांस में कुछ बताना नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक सेम बात मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं आ जाती है। और जो लोग ट्विटर में मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी जाके सोर्स और स्पैम मत कीजिएगा, वहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सोर्सेस की बात रही तो वो आपको दूसरे दिन तक या फिर कुछ ही घंटे के अंदर ही मेनस्ट्रीम मीडिया में मिल जाएगी। अगला अपडेट इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी को लेके है। इंडियन नेवी की तरफ से अभी दोनों ही फ्रंट में काफी ज्यादा वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि भारत अभी चाइना की तरफ से लिए जाने वाले किसी भी तरह की हरकत का कड़ा जवाब देने वाला है और दो फ्रंट की लड़ाई के लिए अभी इंडियन नेवी को तैयार करके रखा गया है क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अगर नेवल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें चाइना पाकिस्तान की मदद भी ले सकता है। इंडियन नेवी का कहना है कि लार्जर डिप्लॉयमेंट करने के बाद इंडियन नेवी की तरफ से चाइना को एक मैसेज भी दिया गया था जो कि चाइनीज नेवी तक पहुंच चुकी है और जब से इंडियन नेवी एक्टिव हुआ है तब से चाइनीज नेवी की हरकत इंडियन ओशन में ना के बराबर हो गई है। जिबूती के पास अभी चाइना के 3 से 4 वॉरशिप मौजूद है लेकिन वो पोर्ट से बाहर नहीं आ रहे। आर्मी और एयरफोर्स की तरह भी अभी इंडियन नेवी को स्पेशल फाइनेंशियल पावर दिया गया था जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से भी इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, लेकिन कौन कौन से इक्विपमेंट अभी खरीदे गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। इंडियन नेवी अभी चाइना को काउंटर करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी में काफी बदलाव कर रही है और अंडमान की ट्राई सर्विस कमांड के ऊपर अभी सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ से हम मलाका स्ट्रेट को चोक कर सकते हैं जो कि चाइना की मेन सप्लाई लाइन है और इंडियन नेवी का साथ देने के लिए अभी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की जगह स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की एक स्क्वाड्रन जाके पहुंच चुकी है जिसको अभी कार निकोबार एयरबेस में तैनात किया गया है। ऐसे सिस्टम होने वाली है और एक केमिकल बायोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर कंडीशन में भी लड़ाई लड़ सकता है। ऐसा बताया गया कि इसे पाकिस्तान की जिस आर्मर्ड कॉर्प के रेजिमेंट में शामिल किया गया है उन्होंने जंग के दौरान बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए थे और आप सबको याद होगा जब लोंगेवाला में पाकिस्तान की पूरी आर्मर्ड रेजिमेंट का सामना पंजाब रेजिमेंट के 120 जवानों के साथ हुआ था, पर यहाँ पर तो ये लोग पिट गए थे। लेकिन ये पाकिस्तान की लॉजिक के हिसाब से फिट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर टैंक्स का सामना इन्फेंट्री ट्रूप के साथ हुआ था जो कि बराबरी की लड़ाई नहीं थी। बराबरी का मुकाबला असल उत्तर में हुआ था जहां पर पाकिस्तान के उस वक्त के सबसे बेहतरीन पैट्रॉन टैंक इंडियन टैंक के सामने आए थे, लेकिन यहां पर भी ये लोग पिट गए थे। तो आज का सवाल ये कि बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन दे रहा था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।